लगा हुआ है, छुपे ना नीचे। अच्छा आओ, गुदिया गुदिया गुदिया, ये जो बेबी को देख रहे हैं, हम ऐसा देखते हैं कि बेबी को हम सर पे टोपी की जगह कपड़ा बांध देते हैं, नीचे जो डायपर की जगह ये पहना देते हैं। आपको सोचते हैं कैसा हम क्यों करते हैं, तो आज बताते हैं। बच्चा हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए ना, बच्चे को हेड और पैर तलवा जो है इसको हम लोग कवर करके रखते हैं। इसको तो सॉक्स पहनाना है लेकिन अभी है ही नहीं अवेलेबल, तो क्या करें, इसको नहीं ढकते हैं। लेकिन बच्चे को डायपर की जगह ये कपड़ा बांधते हैं और हेड पे कोई भी टोपी हो, किसी भी तरह का कपड़ा हो, तो हेड पे कम से कम टेम्परेचर इससे इसका लॉस नहीं हो, हाइपोथर्मिया नहीं हो, बेबी सेफ रहे। न्यू बॉर्न बेबी को सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब ज़्यादा केयर की जरूरत पड़ता है, तो ज़्यादा अच्छा होता है हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए बेबी को जो भी अवेलेबल हो कपड़ा हो क्लॉथ को भी उसमें लपेट कर रखेंगे, ताकि बेबी का टेम्परेचर कम नहीं हो। आप हमेशा देखते हैं कि कपड़ा ही क्यों बांधते हैं, कॉटन कपड़ा कॉटन क्लॉथ रहता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा अवेलेबल नहीं है कि हम हर बेबी को बेबी किट में जो अवेलेबल रहता है कपड़ा वो पहना सकें। बेबी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, जब भी रहे क्लॉथ लपेट के रखते हैं। यहाँ पर ऐसा अवेलेबल होता नहीं कि एनी टाइम इसको नई न्यू कपड़ा ही चाहिए। हॉस्पिटल में बेबी किट दिया जाता है, बेबी का न्यू कपड़ा दिया जाता है, उसके बाद बेबी की रिसीव किया जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब अवेलेबल नहीं होता, ना डायपर अवेलेबल होता है, ना बेबी किट का जो बेबी क्लॉथ होता है वो अवेलेबल होता है। अब इनके पेरेंट्स को हम मंगाएंगे बाहर से तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई पैसा नहीं लगता किसी चीज़ का, बाहर से मंगाने के अलावा भी नहीं है। और जिस टाइम डिलीवरी होता है उस टाइम बेबी का कोई क्लॉथ अवेलेबल नहीं होता, तो कोशिश करते हैं कि जो भी कपड़ा है बेबी का, जो भी क्लॉथ है, जो भी टॉवल है, उसी में बेबी को लपेट के गर्म रखते हैं। ये बेबी आज इसका जन्म हुआ है सुबह में, ये बेबी का वजन 3 किलो 400 है।